कोटा में बन रहे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट का कार्य अंतिम चरण में है। यहाँ छोटी समाध रामपुरम के पास चंबल तट पर बन रहा टावर ऑफ गोल्डन डोम का वाटर पार्क भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। गोल्डन डोम से रिवर फ्रंट के खूबसूरत नजारे पर्यटक देख सकेंगे। टावर ऑफ गोल्डन डोम और वाटर पार्क का कार्य भी अब लगभग अंतिम चरण में है। इसकी खूबसूरती भी देखते ही बन रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये टीम प्रोजेक्ट है जो अब लगभग पूरे होने के कगार पे है। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल मर्डर केस मामले के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश ले जाया गया। अहमदाबाद से राजस्थान के उदयपुर और कोटा होते हुए यूपीएसटीएफ के अफसर और उनकी टीम का काफिला यूपी के लिए निकला। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के यहाँ से काफिले की एंट्री हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच नेशनल हाईवे 27 से 12 से मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री की गई। करीब 1300 किलोमीटर के सफर के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता निलंबन के बाद कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कोटा में देहात कांग्रेस भी अब लोकसभा स्पीकर के घेराव की तैयारी कर रही है। आज विधायक भरत सिंह, लाठपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू और देहात कांग्रेस के अध्यक्ष सरोज मीणा ने बैठक आयोजित कर निर्णय लिया कि दिल्ली और जयपुर के बजाय कोटा में लोकसभा स्पीकर का घेराव किया जाएगा। जो निकाला, जो समर्थन उनको मिला देश का, उससे ये बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है। और हमारा तो ये है कि हम जब ओम बिरला जी यहाँ हैं तो ओम बिरला जी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ओम बिरला जी को हम घेरेंगे और हम आगे सभी देहात के सारे नेताओं को हम सबसे बातचीत करके पूरी कांग्रेस हम यहाँ सत्याग्रह करें तो हम ओम बिरला जी के यहाँ हमारी रणनीति है, उसी रणनीति को तय करके हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अभी कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस ने बीती रात एक दर्जन से ज्यादा पावर बाइक जब्त की है। अनंतपुरा के एक पार्क में बाइकर्स स्टंट दिखा रहे थे। रात 11 बजे पड़ोसी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्टंटबाजी कर रहे बाइकर्स को घेरा, लेकिन सभी बाइकर्स अपनी अपनी बाइक छोड़ भागे। पुलिस ने मौके से करीब 14 पावर बाइक जब्त की है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।